अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जिला भाजपा कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। जनता पार्टी के संगठन के चुनाव चले हैं और उसके अंतर्गत अभी पिछले दिनों हमारे हमीरपुर जिला के सभी पांच मंडलों की कार्यकारिणियों का गठन हो गया। सभी मंडलों ने अपना काम करना शुरू कर दिया और आज मैं जिला कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रहा हूँ। पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों से बातचीत करने के बाद जो लोग हमारे जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है उनके नाम आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बहुत बड़ा संगठन है, पार्टी में बहुत सारे योग्य लोग हैं, एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन पद सीमित हैं और उसके आधार पे सभी को भी ये जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्योंकि सभी लोगों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए है और जिन लोगों को आज ये जिम्मेवारी दी जा रही है, फिर हमसे भी ये अनुरोध रहेगा कि हम सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी का काम करें और फिर से जिला हमीरपुर को उसी वैभव पर ले जाने की कोशिश करें। तो आज जिला भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है उसमें सर्वप्रथम हमारे जिला हमीरपुर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे होंगे श्री विजय पाल सुहागू जी, ये हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। इसके बाद हमारे उपाध्यक्ष विजय पाल सुहागू जी को आप सभी जानते हैं, परिभ्रांति पार्टी के बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा पुराना जनसंघ का संगठन था उसके तो ये यहाँ से जन्मदाता भी हैं। और उसके बाद हमारे बड़सर से चतर सिंह कौशल जी, जो कि पहले बड़सर मंडल के दो बार तीन बार महामंत्री रह चुके हैं और भी विभिन्न पदों पर काम किया है, इन्हें भी उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। उसके बाद हमारे पार्टी के जिला के पीछे जो हमारे महामंत्री थे, पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे श्री अभिवीर सिंह लवली जी, जो भोरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद हमारे श्री हरदयाल सिंह जी, जो कि हमारे नदौन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पूर्व सैनिक भी हैं, इन्हें भी